हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है वह है, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं? तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। वहाँ के CM है BS येदुरप्पा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया जाएगा? तो वह है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा। और ये जो स्टेडियम है वो दिल्ली में है और इसमें क्रिकेट खेला जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं? तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ के CM है के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु की एक हल्दी को GI टैग मिला हुआ है, वो है ईरोड हल्दी। नेक्स्ट है, किस राज्य में एकीकृत कपड़ा पर्यटन परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो वह है मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। और वहाँ के जो CM है वो है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो वह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है विश्व की, जिसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसको HRD मंत्रालय भी कहते हैं। और इसके मिनिस्टर जो हैं वो इस समय रमेश पोखरियाल हैं। और ये जो मंत्रालय है इसने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए TV चैनल लॉन्च किया है? तो वह राज्य सरकार है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या बताया मैंने? चेन्नई। वहाँ के CM जो है वर्तमान समय में के पलानी स्वामी है। नेक्स्ट है, किसे PTM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है अमित नैयर। अमित नैयर को PTM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो PTM है वो e-commerce कंपनी है, जिसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सामुदायिक रेडियो सम्मेलन जो हुआ है कहाँ आयोजित किया गया है? सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है, जहाँ के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे हुआ है सामुदायिक रेडियो सम्मेलन। तो ये थे कुछ आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।